बहुत लाभ तो बहुत मिला है भारतीय जनता पार्टी की, जब से सरकार बनी है जब से आज तक रोड, बिजली और पानी की ऐसी समस्या का समाधान किया है। अच्छा माहौल है जनता में, मोदी का बिल्कुल शो है। हाँ, और मोदी को ही चाहती है जनता। धर्म बचेगा तो देश बचेगा, धर्म है तो सब कुछ है। जय रघुनाथ जी की साहब, अलग अलग क्षेत्र में जाई के आपके लोकसभा वाला चुनाव का हाल बताई रहे हैं। लोकसभा का चुनाव को माहौल कैसो कई चली रही है, कौन सा क्षेत्र में किको पलड़ो भारी है, आम जनता की अपना जनप्रतिनिधि से कई डिमांड है, कई मांग है, आम जनता कई चाहे, गांव की जनता कई चाहे, किसान भाई कई चाहे, विकावारा में आपके सबके बताई रहे हैं। हाल अपन आई गया हाँ खाचरोद विधानसभा क्षेत्र वाला गाँव लुसड़ावन में। लुसड़ावन गाँव की बात करा तो यहाँ हनुमान जी महाराज को एक मंदिर है, बड़ो विलक्षण मंदिर है, 21 फीट की प्रतिमा है 260 कुंटल की। इका अलावा खेती किसानी का लिहाज से भी यो क्षेत्र अच्छो खासो संपन्न क्षेत्र है, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी कई एक मांग हो। विकावारा में आपके मारा भाई बहन लुसड़ावन का जो किसान भाई उन्होंने ही बताएगा आपके सबके, जय रघुनाथ जी की। दासा मारो सबको पहले आपसे सवाल थो, जो अपना क्षेत्र की सबसे बड़ी मांगा है राजनीति का लिहाज से, जो भी जनप्रतिनिधि रहे वो कभी अपना कहना आए तो अपन अपना गांव का लिए, अपना क्षेत्र का लिए विषय कई मांगागा? कई नहीं, हमारा तो एक चक नारायणगढ़ रोड और एक लुसड़ावन से निम्माड़ी रोड, ये दो रोड की मांग है हमारी। सांसद जी से लिखित में भी दे दिया है उनको, जी को हमने पहले भी बोला था। और बस ये मेन जो हमारी मांग है, और गांव में एक मेन समस्या है पानी की टंकी बन गई है, सब कुछ है पर पानी नहीं है गांव में। अच्छा राजनीति का लिहाज से अपन देखा तो गांव को माहौल कई के? गांव का माहौल तो बिल्कुल मोदी जी के साथ। हाँ मतलब आपकी मांगा भी है लेकिन उनका बात भी मोदी जी के साथ। क्या दूसरा दशा में ये पूछना चाहिए थो कि गया 5-10 साल 15 साल में जो गांव का जीवन में, गांव के रहन सहन में जो परिवर्तन आयो, कैसो परिवर्तन थो और विषय अपने लाभ कई मिलियो? बहुत लाभ तो बहुत मिला है भारतीय जनता पार्टी की, जब से सरकार बनी है जब से आज तक रोड, बिजली और पानी की ऐसी समस्या का समाधान किया है जिसकी कोई पारी नहीं है। बहुत अच्छा विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने और आगे भी करेंगे ऐसा हमारा मानना है। खेती किसानी का लिहाज से अपना क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग कही है? कृषि जल स्तर को बढ़ाना, सिंचाई के लिए इस क्षेत्र में पानी जल स्तर बहुत नीचे है। हाँ। इसको तालाब से या और कोई माध्यम से जल स्तर को बढ़ाना, यही किसान के लिए मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया। तालाब बन रहा था पास में, वो किसी कारण से रुक गया। चंदवासला तालाब बन रहा था, वो किसी कारण से रुक गया। क्या वो अगर बन जाए, छोटा मोटा भी बन जाए तो भी हमें मतलब बहुत फायदा है। योजना बनी सरकार की जो बेतवा लिंक योजना, उससे शायद यहाँ तक पानी आने का उम्मीद है। उम्मीद है लिंक यहाँ से जुड़ा है, हिंदुस्तान का नाम भी है उसमें, तो उससे शायद जल स्तर बढ़ेगा ऐसा मानना है। धन्यवाद। एक दो सवाल आपसे भी मैं राजनीति का लिहाज से करना चाहूंगा साहब। राजनीति का लिहाज से गांव को माहौल, राजनीति का लिहाज से गांव को माहौल कई के? बहुत अच्छा माहौल है जनता में, मोदी का बिल्कुल शो है। हाँ, और मोदी को ही चाहती है जनता। अच्छा, सनातन धर्म के। अच्छा, अनिल फिरोजिया जी और महेश परमार जी, दो उम्मीदवार आपका सामने, एक तरफ बीजेपी है एक तरफ कांग्रेस है, आम जनता का लिहाज से आप कई चाहो? वो तो हनुमान जी महाराज जाने, मैं क्या जानूं, बाकी जिसके भाग्य होंगे वो जीतेगा ही सही। नहीं, आपको मन की व्यक्तिगत जो मैं जानना चाहिए। हाँ, तो फिरोजिया जी को नहीं, इनको जो भी जनता चुनेगी वो तो इसके बारे में क्या एक, एक, एक राम मंदिर वाला मुद्दा था, राम मंदिर वाला मुद्दा हाल आखा देश को मुद्दा है, पूरा चुनाव में छाया हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा का लिहाज से आपको अपना व्यक्तिगत विचार? राम मंदिर के हिसाब से तो मोदी जी आएंगे 100%। संसद जी जो अनिल फिरोजिया जी है, क्योंकि धन गया तो गया पर धर्म नहीं जाना चाहिए, धर्म है तो सब कुछ है। साहब गया लोकसभा चुनाव में भी आपने वोट करिया होगा, विकावाद विधानसभा चुनाव में वोट करिया, राजनीतिक दल का लिहाज से आपकी पहली पसंद या आपका व्यक्तिगत जो विचार है? हमारा क्या विचार है भाई, देश ने हित पे जो काम होगा, आम जनता की जो जरूरत है, आवश्यकता है वर्तमान में, उसकी पूर्ति होना चाहिए। और जो लोगों ने जो जिस आधार पे मोदी जी को वोट दिए थे कि हम देश का आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम देश में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, परंतु उस मुद्दे पे कहीं मतलब जाते हुए नहीं दिखे वो। साहब आप
समर्थन कर रहा था मोदी जी का, तीन आरोप तो सरेआम यही है। देखो हम इस चीज पे भरोसा नहीं करते, हम सनातन धर्म के साथ में हैं और ये तो क्या है कि चलता ही रहता धन है। धन गया तो गया, धन गया, नहीं जाना चाहिए। धन गया तो गया, धन अगले साल कमाएंगे, दो साल बाद कमा लेंगे, पर धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म है तो सब कुछ है, नहीं तो अफगानिस्तान भी विकास का मुद्दा खड़ा था, लेकिन फिर भी हम आज भी मोदी जी के साथ में भले गेहूं 27 से तो बात हुई थी। इसके बाद चार 2 लाख रुपए में प्लाट लिया था उज्जैन में, आज 30 लाख में बिका है 2006 में। तो अगर गैस की टंकी अगर 900 हो गई, डबल हो गई, और प्लाट के कितने पैसे, जमीन 28,000 रुपए बिके में बिक रही थी, 50,000 में, 28,000 में, आज ये 15 लाख में, 16 लाख में बिक रही है। मिल रही है आज हर किसान सुखी है, सम्मान निधि से पैसा, तो हर घर पे, हर घर पे 2,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। आपने देखा अफगानिस्तान की क्या हालत हो गई, लोग एरोप्लेन पे लटक लटक भागे, मतलब राष्ट्र हित सर्वोपरि है, हम राष्ट्र हित से अलग नहीं कर सकते। अगर राष्ट्र हमारा मजबूत है, सुरक्षित है, तो हम पैसा क्या है, पैसा अगर मतलब लाखों करोड़ों करोड़ों कमा ले, और अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, ये मतलब तालिबानी अफगानिस्तान किया, करोड़ों का लोग छोड़कर भाग गए। तो ई था साहब लुसड़ावन गांव का हमारा किसान भाई, उन इनकी बात आपने सुनी, इनकी बात कभी आपके जची वे तो कमेंट में जय रघुनाथ जी के लिखनो बिल्कुल भी मत भूल जाओ।